कोच मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा मिकी, मैं हमेशा से बोलता हूँ। जो जो जितना उसने मुझे सपोर्ट किया और जिस तरह उसने लड़के बनाए, आज सारे मिकी को सब ने मतलब बकाया, जो सीधी बात है। लेकिन वो 2 सालों में आपको बहुत कुछ देके गया है। आपको T20 का क्या कहते हैं, नंबर 1 2 सालों में उसने अपनी कोचिंग में रखा, चैंपियन ट्रॉफी वो जितवा के गया, टीम नंबर 1 रही टेस्ट में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप पे, आपको वो बाबर आजम देके गया, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन देके गया, जिसको आप लोग 2 टेस्टों के बाद राइट ऑफ करने लगे थे कि जी निकाल दो, ये तो सिर्फ व्हाइट बॉल का प्लेयर है। तो मुझे तो मेरा तो हमेशा वही रहेगा। और आपको 8 से 10 प्लेयर देके गया जो पाकिस्तान से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 सालों में देके गया है वो। 2 साल क्या था, और वर्ल्ड कप में टीम आपकी रन रेट से बाहर हुई, ऐसे बाहर नहीं हुई थी, टॉप 4 में थी आपकी टीम वर्ल्ड कप 2009 में। तो आई थिंक उसका क्रेडिट पाकिस्तान टीम को भी बहुत जाता है, और मेरे करियर में भी उसका क्रेडिट है, उसका वकार मुझे भाई बहुत कोच के सपोर्ट। साथ है, बॉलिंग कोच, इनसे कुछ हेल्प्स मिलती है आपको, टिप्स वगैरह देते हैं, फायदा होता है। देखिए ही इज लेजेंड, और हमें जितना मौका मिलता है कि जितना जो भी चीज उनसे सीख सकें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं स्विंग की अब बात करूं मैं ज्यादातर उनके, क्योंकि वो स्विंग मास्टर थे, उनका जितना अच्छा स्विंग आउट स्विंग होता था। और जितना मौका मिलता है कि ट्राई करते हैं कि उनसे बात करें, उनसे जितनी भी मोटिवेशन या जो भी चीजें हमारे हैं। सभी पाकिस्तान की में जितने भी यंग फास्ट बॉलर हैं, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी, वो माशाल्लाह बहुत नुमाया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप एज ए सीनियर तजर्बाकार बॉलर, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो चीज़ें ना की जाएं जो माजी में आप लोगों के साथ होती रहीं, ताकि जो उनका जो करियर है वो भी आप लोगों की तरह ज़्यादा लंबा और वो इंजीरी से भी बच सके। गुड सवाल, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप ये देखें, सबको पता है कि शहीन को टू मच क्रिकेट खिला रहे हैं, ये सबको पता है। और मेरी दुआ है कि शहीन, अभी एज है उसकी तो वो इस चीज को कैरी कर रहा है, लेकिन लेटर ऑन ये चीजें इफेक्ट डालती हैं आपकी फिटनेस पे, डालती हैं आपकी बॉडी पे, डालती हैं। तो अल्लाह करे कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग है कि एक नए बॉल को बॉलर पाकिस्तान को मिला होगा कि वो अच्छा लीड कर रहा है पाकिस्तान टीम को। तो अब ये है कि उसको अच्छे तरीके, और सबसे पहले कि शहीन को अपना आप खुद पता होना चाहिए। अभी वो यंग है, वो मैंने सुना भी है कि वो कहते हैं जी नहीं, मैं वो खुद नहीं बैठता, रेस्ट नहीं करता। लेकिन कई दफा आपको प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, वो यंग है, वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि सारी चीजें अच्छी हो रही। लेकिन लेटर ऑन करियर में उसको ये चीजें अफेक्ट भी कर सकती है कि आपको जब तक बॉडी की रिकवरी ना मिले एज अ फास्ट बॉलर, आपको इफेक्ट पड़ता है। कितने प्लेयर्स हैं, कितने फास्ट बॉलर हैं, उनके छोटी छोटी इंजरी से, क्योंकि उन्होंने उसकी टेक केयर नहीं की और उनके करियर खत्म हो गए, बहुत सारी मिसालें। तो हमें शहीन का भी ख्याल करना है, क्योंकि वो आपको एक तीनों फॉर्मेट का कंप्लीट बॉलर आपके पास है, तो हमें उसको बड़े संभाल के यूज करना पड़ेगा।